friends, this is your ma'am Manju Nagar with you, and today we are here to study class 12's topic inverse trigonometric function. Aaj hum property 6 se related kuch problems solve karenge. In our previous lecture we have proved the property 6, aur aaj hum un formulas ko kaise apply karenge wo seekhenge. So let's start with the first question. Isme hamare paas 10 inverse 1 plus 10 inverse 2 plus 10 inverse 3 इस टाइप की प्रॉब्लम्स है. इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के 3 केस थे. उसमें से हमें चेक करना है कि ये हमारा कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होगा. तो देखिए, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 3 है. इन दोनों को 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y अगर हम कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, और प्रोडक्ट एक्स वाई हमारा क्या आने वाला है, 2 × 3 = 6, यानी ये हमारा ग्रेटर देन 1 है. केस हमारे पास जो है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट xy हमारा ग्रेटर देन 1 है. तो ये केस हमारा सेकंड केस, जो फार्मूला हमने प्रूव किया था उसका सेकंड केस है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट xy हमारा ग्रेटर देन 1 है. तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आप अभी देखेंगे. tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब ये किसी थीटा के इक्वल आने वाला है, और वो थीटा कौन सा थीटा होगा, जिसका टेंजेंट 1 होता है. तो आप बताइए टेंजेंट 1 किसका होता है, 5/4. तो ये हमारे पास 5/4 आ, और यहाँ पर जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है वो हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा. 5/4 प्लस पाई, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस tan इनवर्स. अब आप चेक कीजिए x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये यहाँ चेक कीजिए. x हमारे पास 2 है, 2 प्लस y की वैल्यू 3 है, 1 माइनस x 2 × 3. तो इस तरीके से हमारे पास 5/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास 3 × 5 और यहाँ −6 + 1 यानी −5 आने, दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस पाई प्लस. अब इसको चेक कीजिए, ये हमारे पास tan इनवर्स −1 आ गया. tan इनवर्स −1 मींस ये किसी थीटा के इक्वल है, और ऐसा थीटा जिसका टेंजेंट −1 होता है. तो ये हमारे पास आएगा 5/4 प्लस पाई माइनस 5/4 आएगा. इसकी वैल्यू हमारे पास थीटा कौन सा है, −5/4. प्लस 5/4 एंड −5/4 विल बी कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 5. सो इन दिस वे वी कैन यूज द फॉर्मूलाज प्रूव्ड इन प्रॉपर्टी 6 ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. और ये हमें चेक करना है कि कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल है, एक्स वाई पॉजिटिव है या एक्स वाई नेगेटिव. तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं दोनों के लिए, और अगर प्रोडक्ट एक्स वाई ही 1 से कम आ जाता है तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सिंपल सा फॉर्मूला है. अब सेकेंड प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, दिस इज इक्वल टू 5/4. ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस दैट दिस LHS इज इक्वल टू 5/4. सो वी विल मूव अकॉर्डिंगली, वी विल टेक द LHS टू एंड वी विल प्रूव द LHS साइड. सो लेट अस टेक LHS साइड. यहां पर हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रख के चलते, तो दो केसेस हमारे पास है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि केस कौन सा है. सबसे पहला केस तो हम चेक करेंगे क्या प्रोडक्ट हमारा लेस देन 1 आ रहा है. 1/7 × 35, यानी ये हमारा लेस देन 1 का केस है. ये लेस देन 1 का केस है. फर्स्ट वाला केस लेस देन 1 का है तो फॉर्मूला भी लेस देन 1 वाला यूज होगा. इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, 1/3 × 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/
किया था उसमें दो केस बन रहे थे, एक तो प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन वन आ जाए उसके लिए फॉर्मूला था, और एक दो फॉर्मूले हमारे पास प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन के लिए, तो उसमें हम केस चेक करते तो। लेकिन अब हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट लेस देन वन आ चुका है, दैट मीन्स हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, दिस विल बी द फॉर्मूला। हियर ऑल्सो वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास 10 इनवर्स x की जगह पे हमारे पास 1 by 5, y की जगह पे 1 by 7 upon 1 minus 1 upon 5 into 1 upon 7 plus 10 इनवर्स x हमारे पास 1 upon 3, y हमारे पास 1 upon 8, नीचे 1 minus 1 upon 3 into 1 upon 8। इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम आप ले सकते हैं, और आप एलसीएम लेंगे तो आपका 7 5 35, 7 प्लस 5, डिनोमिनेटर में भी हमारा एलसीएम 35 आने वाला है, और 35 माइनस 1 ये हमारे पास होगा, प्लस 10 इनवर्स यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एलसीएम 24 आने वाला है, माइनस लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 10 इनवर्स 7 प्लस 5 12 अपॉन 35, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए हम रिवर्स ले रहे हैं, 35 अपॉन 35 माइनस 1 34 एंड प्लस 10 इनवर्स। आ जाइए आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास 11 अपॉन 24 इंटू रिवर्स ले रहे हैं 24 अपॉन 24 माइनस 1 23। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं। आगे अब हम देखते हैं किस तरीके से दोबारा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, इसको 2 6 2 1 7। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 10 इनवर्स 6 अपॉन 17 यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस 10 इनवर्स यहाँ हमारे पास 11 अपॉन 23। सो वी विल रीच एट द सेम प्रोसीजर अगेन, वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर, वॉट एवर वी हैव अडॉप्टेड इन अवर प्रीवियस स्टेप्स द सेम प्रोसीजर विल मूव अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं 10 इनवर्स x फिर से आ गया है, 10 इनवर्स y फिर से आ गया है, देन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला अगेन। यहाँ पर x ये है और y ये है, तो प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23, तो ये आएगा 66 अपॉन 17 इंटू 23 कर लीजिए, लेस देन वन का केस है, दैट मींस अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला,
10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो 10 इनवर्स ये अब हमारे पास x की जगह 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 अपॉन 17 इनटू 11 अपॉन 23। इसको अब आगे बढ़ेंगे हम सॉल्व करने के लिए, सिंपलीफाई करना है जस्ट। हमें एलसीएम ले रहे थे, हमारा इसका इन दोनों का प्रोडक्ट आया था 391। ऊपर हमारे पास जो है 23 इंटू 6 है, 23 इंटू 6, 6 3 जाए 18, 1 कैरी, 6 2 जाए 12 और 138 प्लस 17 इंटू 11 करेंगे हम 187। डिनोमिनेटर में इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे पास 391 माइनस 66 अपॉन 391, तो अगेन डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो चुके हैं एंड वी विल लेफ्ट विद 138 प्लस 187, 138 प्लस 187 325, यानी हमारे पास 10 इनवर्स 325 अपॉन 391 में से 66 माइनस कर रहे हैं, 11 में से 6 या 5, 8 में से 6 या 2, 3, यानी हमारे पास जो है ये कैंसिल हो गया है, 10 इनवर्स 1 बचा हुआ है, और 10 इनवर्स 1 जो है वो किसी थीटा के इक्वल होगा, और वो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, जिसका टेंजेंट 1 आता है, तो वो थीटा हमारे पास 5/4। सो लेट्स डू, सो इस तरीके से हमने हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हम सिंपलीफिकेशन करते हुए आगे हमारे लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, जो हमें प्रूफ करना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5/4, ये हमें लेकर सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे लेकर चलना है, दिस इज नॉट टू प्रूव, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। होता है देखिए, सबसे पहली बात 5/4 हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, क्योंकि 10 इनवर्स 1 क्या है, कोई थीटा है, और वो थीटा जिसका टेंजेंट 1 होगा, तो 5/4 को हम 10 इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 10 इनवर्स x माइनस 1 x minus 2 plus 10 inverse x plus 1 x plus 2 is equal to 10 inverse 1। अब हम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाए, और इधर हमारे पास ये बचा हुआ है x plus 1 upon x plus 2, इस तरफ हम लेकर आए हैं 10 inverse 1 में से, इसको माइनस कर दिया हमने, 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर x में से 1 माइनस हुआ, अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो क्या बनेगा, केस देखिए आप, प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं 1 का और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का, यानी अगर इसको x माने और इसको y माने, तो हम 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के बाद, यानी नीचे हमारे पास क्या है, माइनस 2, माइनस 2 से क्या समझते हैं, x माइनस 2, यानी क्या हो गया, x में से 2 घटा दिए, तो ये क्या होगा, छोटा वैल्यू, यहाँ x में से सिर्फ 1 घटाया, तो ये बढ़ गया, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी bigger value upon smaller value, तो ये क्या आने वाली है, वन, अगर इक्वल होते कट के 1 आते, वो इक्वल से ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो वन से ग्रेटर, यानी ग्रेटर का केस है, इज ग्रेटर देन वन का केस,
प्रोडक्ट एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन वन हो रहा है तो हमें चेक क्या करना है कि x पॉजिटिव है, x ये देखिए x हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है x पॉजिटिव है, यानी ये माइनस वाले का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड जो माइनस के फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे उसका प्रूफ हमने नहीं किया था, आपके लिए छोड़ा था। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का ये सेकेंड केस है, सेकेंड क्यों, एक तो ग्रेटर देन वन, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, ग्रेटर देन वन, सेकेंड माइनस के लिए हमारे पास ये हमारा ग्रेटर देन वन सिंपल केस है, तो लेस देन वन के दो केस होंगे। तो हम सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमारे पास आर एच एस में है, सॉरी एल एच एस में है, और आर एच एस साइड में हमारे पास x की वैल्यू क्या है वन, माइनस y हमारे पास ये पूरा का पूरा y है, x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये पूरा का पूरा हमारे पास y है। डिनोमिनेटर में हम प्रोडक्ट लेंगे इनका वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए राइट साइड हमारे पास है, सॉरी इट्स अगेन माय मिस्टेक, इट्स लेफ्ट साइड, x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, ये हमारे पास एल एच एस में है, और आर एच एस साइड हमारे पास x माइनस टू एलसीएम लेंगे तो टेन इनवर्स x माइनस टू माइनस x प्लस वन अपॉन नीचे हमारे पास x माइनस टू है, ये तो न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है x माइनस टू ही बचेगा, और यहाँ पर x माइनस टू प्लस x माइनस वन, ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आने वाला है वो देखते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस टू और प्लस वन, यानी हमारे पास यहाँ बचा हुआ है टेन इनवर्स माइनस वन ऊपर हमारे पास और नीचे x माइनस टू। अगर रेसिप्रोकल ले लें x माइनस टू ऊपर ले गए इसका, और यहाँ हमारे पास माइनस टू और माइनस माइनस थ्री, यानी हमारे पास क्या बचा हुआ है माइनस थ्री टू एक्स, यानी टू एक्स माइनस थ्री, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो है साइन चेंज करें, टेन इनवर्स टू को आगे रख ले हम प्लस टू हो जाएगा, और माइनस एक्स टू माइनस एक्स, अच्छा ये कट रहा है, एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया, हमारे पास सिर्फ माइनस वन अपॉन में टू एक्स माइनस थ्री, और लेफ्ट साइड हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू था। कंपेयर कीजिए, देखिए टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा, यानी दो टेन इनवर्स थीटा इक्वेट किए गए हैं, यानी थीटा दोनों का क्या है इक्वल है, तो हम जो है ये टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स ये दोनों हम इक्वेट कर रहे हैं, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ये इक्वल आएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये अब हम खोलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस x और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है 2x स्क्वायर प्लस 2x, यानी प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गए, माइनस 3 और प्लस टू यानी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है वन बाई टू, दैट मीन्स एक्स हमारे पास प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, दिस इज द रिजल्ट। सो इन दिस वे वी कैन यूज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। लेट अस टेक द लास्ट प्रॉब्लम फॉर यू, हमारे पास गिवन है कि आप इसको सॉल्व कीजिए,
10 inverse under root x square plus x plus sine inverse under root x square plus x plus 1 equal to pi by 2. इसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो सबसे पहली बात ये हमारे पास ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी. सो दिस इक्वेशन होल्ड्स ओनली व्हेन, ये सिर्फ और सिर्फ कब होल्ड करेगी, जब हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. x स्क्वायर प्लस x जो रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्यों क्यों होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखो 10 इनवर्स x और x की वैल्यू हमारी जो है 10 इनवर्स, यानी ये वैल्यू टेंजेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा नेगेटिव आता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, टेंजेंट किसी का भी जीरो से छोटा यानी नेगेटिव नहीं होता है, किसी के भी टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इस वैल्यू को मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो. एंड सेकंड कंडीशन इज व्हाट, ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स, यानी ये किसी का साइन थीटा है, ये साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो किसी ना किसी का साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि साइन थीटा हमारा इस रेंज के अंदर लाई करता है साइन थीटा की वैल्यू. देखो दोनों का सम पाई बाई टू बताया हुआ है, दोनों का सम पाई बाई टू मीन्स ये जो भी एंगल आने वाला है और ये जो भी एंगल है दोनों का सम 90 से ऊपर नहीं जाने वाला है, यानी कि दोनों हमारे ये जो भी है ऐड होके 90 के इक्वल होने वाले. तो आप देखिए कि ये वैल्यू जो है प्लस वन ये लेस देन इक्वल, यानी साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू है वो कोई ना कोई एक्स है और वो एक्स क्या है किसी का साइन थीटा, और साइन थीटा की रेंज होती है जीरो हो सकता है, जीरो से इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वन से छोटा ही रहेगा, लेस देन वन, लेस देन. अब लेस देन वन है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इसको हम लिख सकते हैं जीरो से बड़ा है ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन. ये वन उधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, x square plus x less than equal to 0. यहाँ से हमारे पास है x square plus x greater than equal to 0 है, इधर से less than equal to 0 है, इसका मतलब x square plus x जो है वो हमारा equal to 0, और अगर ये equal to 0 है तो x common लेंगे, x plus 1 this is equal to 0, यानी दो values हमारे पास x की आती है, either x should be equal to 0 or x is equal to minus 1, यानी this equation is solvable only for these two values. एक्स की दो ही वैल्यूज के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जीरो और माइनस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.